पत्नी से गैंगरेप करने वाले भाई व रिश्तेदारों से गिरफ्तार पति इकबालपुर का शाहरुख 3 महीने से पुलिस से आंख मिचौली कर रहा था। इकबालपुर थाने की पुलिस ने गैंगरेप के फरार आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर को लेकर कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर पोर्ट डिवीजन जफर अजमल कदवई ने बताया कि मोहम्मद शाहरुख उर्फ बिल्डर विक्की को पुलिस ने बीती रात डॉक्टर सुधीर बोस रोड से गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि इस मामले का मुख्य आरोपी कई दिनों से फरार था, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाया। पुलिस ने आरोपी को शनिवार को अलीपुर कोर्ट में पेश कर हिरासत में लेने की अपील की, जहां न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत खारिज करते हुए उसे 4 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया। इससे पहले पुलिस इस गंभीर मामले में शामिल संदिग्ध मोहम्मद समीर को गिरफ्तार कर चुकी है, जो फिलहाल जेल हिरासत में है। गौरतलब है कि इकबालपुर निवासी पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति शाहरुख उर्फ बिल्डर विक्की, मोहम्मद हाशिम, छोटे भाई मोहम्मद समीर यानी पीड़िता का देवर, रिश्तेदार रेशमा सुल्ताना और उसके पति फिरोज ने उसके साथ मिलकर दहेज की मांग की, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। नवविवाहित दुल्हन का यह गंभीर आरोप था कि उसके पति ने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं बल्कि घर वालों की मदद से मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद समीर और फिरोज ने बारी बारी से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि इस घिनौनी हरकत के बारे में परिजनों को बताने पर तमंचा दिखाकर चुप रहने की धमकी दी गई। वहीं दहेज के रूप में दी गई 7 लाख की राशि को पति व ससुराल वालों ने बर्बाद कर दिया। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की, जिसमें पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने पीड़िता के जीजा मोहम्मद समीर को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पीड़िता का पति और मामले का मुख्य आरोपी शाहरुख उर्फ बिल्डर विक्की फरार चल रहा था। सूत्रों का कहना है कि बीती रात उसे भवानीपुर थाना क्षेत्र में देखा गया। खबर मिलने के बाद इकबालपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया।